हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, मैंने कोई वीडियोस नहीं डाला, मैंने कोई अपडेट नहीं दिया। देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड इट, और रीज़न क्या है इस वीडियो के एंड में पता पड़ेगा। तो आज मैं एक नया व्लॉग सोचा कि बहुत दिन हो गए तो मेरे को ब्लॉग बनाना चाहिए। और हर बार यही होता है कि एक बार डेडिकेशन डिटर्मिनेशन के साथ आता हूँ और फिर कुछ ना कुछ हो जाता है और फिर सब चौपट हो जाता है। तो आज का ब्लॉग जो होने वाला है आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो अभी मेरे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि लिस्ट अभी बनाऊंगा। वो लिस्ट का क्या क्या सामान है, तो पहले जाएंगे मार्केट और उसके बाद सारा चीज़ खरीदेंगे। अब क्यों खरीदेंगे वो आपको पता पड़ेगा अगले 5 to 10 days में, ठीक है। तब तक के लिए अभी इस ब्लॉग को इंजॉय कीजिए। सो ऑल सेट टू गो। अभी हम जाने वाले हैं शॉपिंग, जिसमें आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ खरीदने वाला हूँ और इतनी सारी चीज़ क्यों खरीदने वाला हूँ वो भी आपको ब्लॉग में पता पड़ेगा, राइट। तो निकलने से पहले मास्क लगा लेना ज़रूरी है, नहीं तो उधर अच्छा खासा भूचाल आएगा और चालन वालन कट जाएगा। तो अभी हम दे देता हूँ बाइक की और निकलते हैं। ताला ताला ताला। तो इतने दिनों के बाद जब मैं मार्केट बाहर मतलब बाइक चला रहा हूँ, ये ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को बस एक ही चीज़ याद आती है कि मेरे को कहीं राइड पे जाना चाहिए। बट अभी ऑफिस बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं पूरी तरीके से, तो नहीं जा सकता मैं। कोशिश है कि अभी तक आगे तक सारी चीज़ सही हो जाएंगी, और अब होना भी है, फिर बहुत टाइम हो गया चीज़ें सही नहीं होते हुए। जो सोच रहा हूँ हो ही नहीं पा रहा है, करने की कोशिश भी कर रहा हूँ बट हो ही नहीं पा रहा है। तो अभी इस बार आई थिंक मेरे को लग रहा है पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, हो जाएगा। तो फ़िलहाल पहुँचते हैं मार्केट। तो हम पहुँच चुके हैं बिग बाज़ार, यहाँ से एंट्री करेंगे बट एग्ज़िट आगे से करना है। तो एग्ज़िट जब आगे से करना है तो मेरे को बाइक की ज़रूरत वहीं पड़ेगी, तो मेरे को बाइक वहीं खड़ी करनी चाहिए। बट मैं ये भी तो लेके आ सकता हूँ ट्रॉली, हाँ तो मैं यहीं कर लेता हूँ खड़ी उधर। तो ऑलमोस्ट 40 days हो गए हैं मैंने जिम नहीं गया हूँ। क्यों नहीं गया हूँ, बहुत सारे रीजन्स हैं और वैलिड रीजन्स हैं मेरे पास, जो कि वीडियो के एंड में पता पड़ेंगे। और अभी जिम जा रहा हूँ आजकल, तो देखो सब ठीक रहा तो जिम कंटिन्यू रहेगा। और मैंने बाल तो कटवाए हुए, आपको अपडेट दिया था, इधर कट भी लगवाया हुआ है मैंने। तो यही है अभी बात, बाकी अंदर जाके जो भी शॉपिंग करना है वो देखते हैं। और बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं मेरी लाइफ में, लाइक अभी एंड में सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा क्या क्या बदलाव हुए हैं और कैसे कैसे बदलाव हुए हैं। कितना है? एटी टू। धनिया पाउडर, अपना फेवरेट चिकन मसाला, एक मीट मसाला भी डाल लेते हैं, ड्राई जिंजर नहीं चाहिए, अभी लेना ऑलिव ऑयल ले लेता हूँ। 2400 का है भाई, 2 liter। प्राइस ही जगह गलत जगह लगा रखी ना भाई इन्होंने। बहुत महंगा है भाई। खाली समथिंग कुछ मीठा भी हो जाए। और नीड एन पीनट बटर, ये डॉक्टर ओटेकर का है, 299। इनका होम ब्रांड है। इसके साथ कुछ नहीं, किसान के साथ इसकी मसालों के लिए ये ले ले रहा हूँ, लेने या ना लूँ, बाहर से ले लूँगा। गाइस मेरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जब भी ब्लॉग शूट करने जाओ मेरा मोबाइल घट हो जाता है, तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता भाई। मैं जो चीज़ लेने आया था वो तो भूल ही गया। मेरे को नॉनस्टिक तवा चाहिए था और मेरा मोबाइल डार्ट होने वाला है, तो अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। ज़रूरत थी तो भी ले लिया। जब तो हुआ ये
जब मैं पेमेंट कर रहा था तो पेमेंट करते टाइम ना मेरा मोबाइल 20% से सीधा 5%। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, मे बी इसकी बैटरी में प्रॉब्लम हुई होगी या कुछ भी हुआ होगा। सो आई वॉज लाइक कि अगर मेरा पेमेंट नहीं हुआ तो ये लोग क्या ही सोचेंगे, तब से मतलब यहाँ पे ये खरीद रहा है वो खरीद रहा है ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, ठीक है, और पेमेंट के टाइम पे कह रहा है मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। एंड द लास्ट मोमेंट मैंने उसको बोला कि भैया प्लीज़ जल्दी कर दो, फिर पेमेंट तो हो गया, तो जो चीज़ लेके आया हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट जो भी इतना भी बिल बना था ना वो सारा हो चुका है। अभी रूम पे आ चुका हूँ, कनेक्ट किया हुआ चार्जर और आपसे बात कर रहा हूँ, चार्जिंग पे कनेक्ट किया, मेरा क्या ही होगा यार। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो अभी थोड़ी देर में प्री मील बनाएंगे, प्री मील जो भी होगा लेके क्या है, वहाँ एग्स है मेरे पास, तो प्री मील बनाऊंगा, प्री मील बनाने के बाद फिर जिम मिलते हैं, जिम में चलने के बाद आपको दिखाते हैं कि वर्कआउट कैसे होने वाला है। आज पंप अच्छा आएगा क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद वर्कआउट जा रहा हूँ, शायद पंप अच्छा है। हनी इज़ माई फेवरेट, देख रहे हैं इतना सारा ग्रोसरीज, अब बनेगी बॉडी। इतने लंबे सामान का इतना लंबा बिल पकड़ा दिया इन्होंने, देख रहे हो बिल। इसको करने के लिए मैं बड़ा बेताब था, बट अब हो गया फाइनली। अभी बनाने जा रहे हैं एग ऑमलेट्स, 1, 2, 3 and 4 एग, 4 अंडे के ऑमलेट बनाएंगे। नया तवा आ चुका है फ्रेंड, इसे भी बनाएंगे, मजे देखते कैसे बनता है, ठीक है। ओह फूट गया क्या, मैं खाता हूँ हमेशा, कभी तो नहीं खाता हूँ, कभी कभार, अभी स्टार्टिंग में कभी फूल एग खाएंगे अपन, ठीक है। इसको डस्टबिन हैंड टू हैंड ये हमने आपसे की थी वो कर देंगे, एंड आई हैव अनदर वेपन टू यूज दिस मिक्स करने के लिए। गैस चल चुकी है, फ्राइंग पैन रखेंगे अपना और गैस को कम कर देंगे और निकालेंगे जो अभी हम लेके आए हैं, ऑलिव ऑयल। ऑयल डाल दिया इसके अंदर इतना सा, ठीक है, ज़्यादा ऑयल खाएंगे नहीं, नहीं खाएंगे उसका एक रीज़न, ठीक है, ये इसको स्ट्रेट कर देंगे। तो मैंने ना इसको फोल्ड कर लिया इधर उधर से ना, क्योंकि बड़ा जो होता है वो पलटने में नहीं आता है, फोल्ड कर लोगे ना ईजिली पलट पाओगे आप। पलट जा भाई, अपना मोबाइल को कैसे रखूँ, रुक जाओ, पलट दिया, ईजिली पलट जाएगा, अगर आप पूरा बड़े बनाओगे ना तो फिर नहीं पलट पाएगा, इसलिए पलट भी देते हैं ऐसा नहीं। रेडी हो गया, ऑमलेट है अभी रेडी 4 अंडे का, ठीक है, तो ऑमलेट खाते हैं फिर उसके बाद वर्कआउट। मैंने डाला हुआ है 1/2 स्पून शहद, क्योंकि नमक नहीं तो मीठा सही। अभी डालेंगे थोड़ा सा केचप। तो अपना मील बन के तैयार हो चुका है, चलते हैं एंजॉय करते हैं अपनी मील को, देखते कैसा बना है। Awesome. तो जिम में मैं आ चुका हूँ और एक लुक दिखाता हूँ तुम्हें जिम का, ठीक है, अभी देखना जिम में कौन कौन है, कितनी भीड़ है।
nobody is in the gym. Only 2% are there. जिम के अंदर वर्कआउट करने का एक अलग ही मजा है, और ख़ास तौर से जब पूरा जिम आपका हो, सिर्फ आपका, मतलब पूरा जिम खाली हो और तुम हो सिर्फ जिम में, तो अलग ही फील आता है। सो इट्स बीन लॉन्ग टाइम, तो मैं ट्रेन नहीं कर रहा था, तभी ट्रेन करने के लिए मैं वापस से आया हुआ हूँ। तो 1, 2, 3, 4 दिन, 5 दिन, मतलब इस वीक ऑलमोस्ट मिक्स करूँगा, 3-3 सेट करने की कोशिश करूँगा, 3 चेस्ट पे, 3 बाइसेप पे, 3 ट्राइसेप पे, 3 शोल्डर्स पे, 3 लेग्स पे, ठीक है। तो इतना सारा करूँगा इस लास्ट वीक तक। जब कोई पार्टनर नहीं होता ना, अकेले जिम में सूट करना पड़ता है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो अभी वर्कआउट हो चुका है ख़त्म, और कपड़े पहले ही, क्योंकि सर्दी बहुत है बाहर, कपड़े और कान बंद कर लेने चाहिए जैसे मैंने किए हुए, ठीक है। बाद बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगला ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो बने रहिए। और हाँ, सॉरी फॉर दैट, नहीं नहीं नहीं, अभी तो ब्लॉग ख़त्म ही नहीं करना, बताना है तुम्हें कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, क्या हुआ है मेरे साथ। तो वर्कआउट हो चुका है ख़त्म, और मैं आ चुका हूँ अपने रूम पे। तो अभी वो बात बताने का टाइम आ गया कि मैंने अभी तक ब्लॉग क्यों अपलोड नहीं किए, वीडियोस क्यों नहीं अपलोड किए। देर वॉज अ 2 रीज़न्स, बिकॉज यू नो ऑल, पुनीत की शादी हो गई है, पुनीत हैज़ बीन फिक्स्ड, मतलब फिक्स क्या, वो अपना
उसका अपने अपने अपना घर ले लिया है, अपने घर पे चला गया, ठीक है। देन राहुल हमारे साथ जो था, तो भाई साहब की भी शादी हो रखी थी, तो भाभी जान मतलब भाभी जी को लेके आ गए वो। अब मैं बचा अकेला, बेला इंसान, सिंगल। तो उसके बाद फिर जैसे भाभी को ले गया, तो फिर एक रूम में नहीं होता, तो मुझे पता है सारे लोगों को एक रूम में कैसे हो पाएगा। तो फिर मैंने शिफ्ट कर दिया रूम अपने दोस्तों के साथ, शिफ्ट किया था जहाँ पे मैंने रूम, लक्ष्मी नगर था, जहाँ पे मेरे सारे दोस्त रहते हैं, मेरे भाई रहते हैं, लाइक विकास जो मेरे साथ बंदा ट्रिप पे गया हुआ था, बहुत ही अच्छा लड़का है। और उसके बाद जोशी, हेमंत के नाम से आप लोग जानते होंगे, जोशी के नाम से जानते होंगे बेसिकली, तो वो भी बहुत बढ़िया बंदा है, अपने साथ रहा है, एक महीने हमने वहाँ पे गुजारा है साथ में, बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद अर्जुन, सारे सपोर्टिव है। देन अरुण आ गया, फिर अरुण भी अपना यहाँ पे जॉब ऑफ का हमारे साथ है, सारे बंदे अच्छे। पुनीत भाई साहब अपने फिक्स हो गए, बट यहाँ पे आते रहते हैं, अच्छा लगता है। राहुल ठीक है, हम लोगों ने रूम शिफ्ट किया, वो बात अच्छी बात है, लेकिन वो वहाँ से भी फिर सपोर्ट हो गया, उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो ग्रेटर नोएडा पहुँच गया। तो रूम पे सेपरेशन होना जरूरी था, मेरी जॉब इधर है, उसकी जॉब उधर है। तो उसके बाद फिर अपन लक्ष्मी नगर में रह रहे थे, फिर उसके बाद हमारी दादी माँ जो एक्सपायर कर गई, फिर उस चक्कर में घर पे जाना पड़ गया, तो वहाँ पे करीब 10-12 दिन वो निकल गए। तो उसके बाद अभी वापस से आया हूँ मैं, तो अभी सारी चीज़ें दोबारा से स्टार्ट हो गई, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो सारी चीज़ें दोबारा से अच्छे से कर पाऊँगा मैं। और अभी फ़िलहाल सिंगल रह रहा हूँ मैं, रूम वूम ले लिया है, तो रूम टूर वीडियो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, आप लोग बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बहुत ज़्यादा स्पेंड किया हुआ है अपने रूम बनाने पे, जो कि मैं बहुत पहले से बनाना चाहता था एक रूम, जो रूम की वीडियो होने वाली है नेक्स्ट वीडियो में, आपको सारा पता पड़ जाएगा, रूम का टूर दूंगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, अपने ब्लॉग के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में, और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। अभी इतना सिंगल मतलब सिंगल क्या, अकेला हूँ, रूम पे भी अकेला हूँ, वर्कआउट ही और अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ लाइफ में, डेफिनेटली अच्छा करूँगा, तो आप लोगों का सपोर्ट है तो और अच्छा कर पाऊँगा। तब तक के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लव यू ऑल।